होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरगुजा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने तैयारियों पर मंथन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सरगुजा में प्रवेश कर सकती है। सरगुजा लोकसभा में ये यात्रा 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऐसे में सरगुजा पहुंचे सचिन पायलट ने यात्रा की तैयारियों पर बैठक की, साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सचिन ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे, और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। तो एक तरफ सचिन यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ यात्रा के संयोजक अमरजीत भगत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पूर्व मंत्री के यहां पर आईटी की रेड चौथे दिन भी जारी है। यही नहीं, अमरजीत भगत के कई करीबियों से भी पूछताछ चल रही है। रायपुर से लेकर अंबिकापुर तक टीम के अधिकारी दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों में आईटी ने दबिश दी है और ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का निवास है। यहाँ भी चौथे दिन भी आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, वो सतत जारी है। हालांकि आईटी की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, किस तरह का जो खुलासा हुआ है इसकी अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और अभी भी कार्रवाई लगातार आईटी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और लगातार कार्रवाई है जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। जगदलपुर में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल